नमस्कार। नव भारत की विशेष श्रृंखला बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। हम इस श्रृंखला के जरिए आपका परिचय कराते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो खुद से परे जाकर समाज के लिए कुछ करते हैं, लोगों की अच्छाई हो इसके लिए अपना कुछ न कुछ योगदान देते हैं। आज हम मुंबई में हैं और हमारे साथ है अनिल मुरारका जी और उनकी पत्नी संगीता जी। नमस्कार, आपका स्वागत है नव भारत में। नमस्कार। तो मैं आपका देख रही थी, मैं तो आप मैं बता दूं आपको, दर्शकों को, अनिल जी को मैं दादा बुलाती हूँ। तो दादा का काम कई सालों से देखा है और ये एक ऐसे शख्स है जिन्हें कहा जाता है मिराकम इंडस्ट्री इनकी है, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये एक ऐसे शख्स है जिन्हें कॉमन मैंस फिलंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। वजह क्या है कि कोई भी अपना फोन उठाकर सीधे दादा को रात को 12 बजे भी कॉल करे तो वो तुरंत ऐसे फोन उठाएंगे जैसे कोई परिवार वाला कोई उनको कॉल कर रहा हो और जल्द से जल्द उसकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। इनका जिंदगी का सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे ये फिलंथ्रोफी इनके दिमाग में आई, कैसे शुरू हुई समाज की सेवा, ये सब इनसे बातों में जानेंगे। दादा आप बताइएगा कि आप महाराष्ट्र में आपके पिताजी आए तब से यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे या उससे पहले हाँ की हाँ बात? बिल्कुल। जैसा आपने कहा, आप दादा बुलाती हैं मेरे को, जी मैं भी आपको भाभी बोलने की लिबर्टी लूंगा यहाँ पर। अभी बेसिकली पापा शिफ्ट हुए राजस्थान से फॉर अ बेटर प्रोस्पेक्ट, कि भाई बम्बई पहुँच के कुछ अलग सोचा जाए, कुछ किया जाए। तो पापा ने जब यहाँ बॉम्बे में जब वो आए राजस्थान से, पहला उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब किया उन्होंने, जो 118 रुपया सैलरी का था। एंड वो सैलरी जब उनको कम पड़ने लगी तो उन्होंने कुछ ट्यूशन्स लेने शुरू किए। इट वॉज अ वेरी मॉडेस्ट बिगनिंग, वेरी वेरी मॉडेस्ट बिगनिंग। मुझे बड़ा फख्र होता है जब मैं ये बात करता हूँ कि दैट्स वॉट हाउ अ कॉमन मैन कैन स्टार्ट हिज जर्नी इन लाइफ। आपने मुझे कॉमन मैन की तरह अभी अभी टर्म किया है। ये टर्मिनोलॉजीज, ये फिलेंथ्रोफी वर्ड, इसके क्या मायने हैं, आप यकीन मानो मेरे को कुछ नहीं पता। व्हाट आई ऑल नो इज कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना जिंदगी में रखनी जरूरी है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन इनहेरिटेड बाय आवर एंसेस्टर्स इन लाइफ। मैं मेरे दादू की बात करूं, चिरंजीलाल मुरारका साहब की, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर हिमसेल्फ। उन्होंने जो कुछ इनकलकेट किया पापा में, मिस्टर काशी मुरारका में, जी वही मैंने अडेप्ट करने की कोशिश की है। मैं कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ मुझे सिखाया गया मेरे बचपन में उसी को आगे लेके बढ़ रहा हूँ मैं। आप दो भाई थे, एक बहन थी और जब यहाँ आए मुंबई में, मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है, हर कोई एस्पिरेशन से इस शहर में आता है। तब जब स्कूल में जाते थे, जब 118 रुपये तनख्वाह की आपने बात की, तब कभी लगता था कि खुद का बिजनेस भी सेट करेंगे या इस तरह से इतना आगे बढ़ जाएंगे? सपने क्या थे तब आपके? देखिए, ख्वाब रखना बिल्कुल ज़रूरी है। अनटिल यू ड्रीम यू कैन नॉट रियली अचीव इट। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और एक अटूट विश्वास कि हमको किसी के साथ में भी कोई छल कपट नहीं करना है, दैट्स अ कोर फैक्टर ऑफ लाइफ। एंड आप शिद्दत से लगे रहो, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। मैं नहीं कहता, आप एक उदाहरण के तौर पे बोलूँ आपको, मैं मेहनत की मैंने आपसे बात की, तो जो कूली एक मेहनत करता है ना, उससे ज़्यादा मेहनत हम कोई नहीं करते। बट दैट इज़ अ फिजिकल स्ट्रेन। व्हाट नीड्स टू बी अडेप्टेड इज व्हाट बेस्ट कैन यू वर्कआउट एज अ मॉड्यूल टूवर्ड्स अ बेटर टुमोरो। पीपल टेल मी कि यार अनिल, तू ये बताओ तेरा गुरु मंत्र क्या है? इट्स नॉट अबाउट अ गुरु मंत्र। हार्ड कोर रियलिटी इज कीप डूइंग समथिंग बेटर टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। वो एक ताकत है ऊपर जो आपको देख रही है। हम ये बिलीव करते हैं, हम सब बिलीव करते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं। भाई हम कुछ नहीं कर कुछ रहे। नहीं कर रहे। हकीकत ये है, आप सिर्फ एक वो जरिया हो कुछ करने का, कराने वाला तो वो बैठा है आपके ऊपर। एंड दैट इज वॉट
वी नीड टू टाइटन अवर बूट्स एंड एंश्योर कोई ईगो कोई अहंकार कुछ नहीं, करते चलो। दुनिया बहुत छोटी है, हमारे पास समय बहुत कम है। जितना समय हमें ऊपर वाले ने दिया है उसका हर तरह से बेटर प्रयोग करें और उसको आगे लेके बढ़े। मैं आपकी तरफ आऊंगी संगीता जी, कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और फिर इनसे मुलाकात कहाँ हुई? नमस्ते दर्शकों को एक बार फिर। आई एम बॉर्न एंड मैं बॉम्बई में ही पैदा हुई और यहीं बड़ी हुई हूँ, तो पूरी हार्ड कोड मुंबई की मुलगी मुंबई ची मुलगी मुंबई ची वो मुलगी है ही। और इनसे तो जैसे हमारे मारवाड़ी फैमिलीज में फॉर्मल शादी होती है वैसे बातें हुई, और वैसे ही हमारी हमारा रिश्ता तय हुआ। बट वो फॉर्मल से ज़्यादा लव मैरिज जैसा हो गया, क्योंकि मुझे देखने के बाद थोड़ा सा एक दो जन ने हाँ बोली, एक ने नहीं बोली फैमिली में, बट ही वॉज वेरी स्टबन कि मुझे तो इनसे ही करनी है शादी। तो ऐसे बात पक्की हुई और आगे बढ़े। और एक चीज मैं आपको अपने तरफ से बताना चाहती हूँ, जो आपने पूछा भी कि ये शुरुआत कैसे हुई फिलान्थ्रोपी की। तो जब शादी हुई तो मैं 18 साल की थी और ये 23 इयर्स के थे, दोनों अच्छा ही बहुत छोटे थे। पर मैं इनको देखती थी इतने इस एज में भी, छोटी छोटी अमाउंट भी, 5,000 रुपीज 10,000 रुपीज स्कूल में ट्रॉफीज डोनेट करते थे मम्मी के नाम से, मीना मुरार, मीना काशी प्रसाद मुरार का, या काशी प्रसाद जी मुरार का, अपने डैडी के नाम से। तो ये शुरुआत वहां से हुई कि ही स्टार्टेड विथ स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लेकिन फिर वो ऑफकोर्स वो मन में वो था, तो आगे सफर बढ़ता गया, चलते गए आगे। हम आपको बता दें कि जैसे मीरा कैम इंडस्ट्रीज है, तो आपका ये व्यवसाय पिताजी ने शुरू किया, आप उसमें दूसरी पीढ़ी हो। वो शुरू कैसे हुआ? क्योंकि मैंने देखा कि मुंबई जैसे शहर में राजस्थान से आना, एक नौकरी पेशा व्यक्ति ने सोचना, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती है। कैसे शुरू हुई ये इंडस्ट्री? पापा के लिए बड़ा कठिन था बिकॉज कोई बैकग्राउंड नहीं था उनका जी बिजनेस का। मैंने आपको जैसे बताया, दादू एक खुद क्रांतिकारी थे, उन्होंने जी अपने जीवन को समर्पित कर दिया था देश के प्रति। उस माहौल से निकल के राजस्थान से बम्बई पहुंचना और एक अपने आप के लिए एक एक सोच लेके चलना कि जीवन में कुछ करना है। नथिंग इज ईजी इन लाइफ। डैड ने भी एक प्रयास किया एंड वेरी हम्बल बिगनिंग शुरू की उन्होंने, राइट फ्रॉम जैसे मैंने आपको जिक्र किया, पहली नौकरी, उसके साथ ट्यूशंस लेना, कुछ जो पैसे बचा सके वो घर पहुंचाना राजस्थान गांव में उनके फादर के पास में। वन फाइन डे कहीं उनको लगा कि यार यहाँ पे इस चीज के अंदर ही मैं कहीं ना कहीं रह जाऊंगा, ट्राई एंड डू समथिंग टूवर्ड्स अ बेटर थॉट प्रोसेस जहां मैं शायद ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकूं। पहला काम, उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। हर किसी को कोई मसीहा मिलता है, जी पापा को भी, पापा के कोई बड़े पुराने बुजुर्ग सीनियर मिले जो उनको अपने बेटे की तरह समझते थे, ये वो तो मिल ओनर देन। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा तू कोशिश कर, मेरे यहाँ से जो सपोर्ट चाहिए वो पक्का मिलेगा। लाइक वाइज द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम हम्बल ट्रेडिंग बिजनेस टू अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। देखिए मुझे ये कहना बड़ा आसान लग रहा है आज, बट जो तकलीफों से वहां पापा पे गुजरे हैं उस टाइम पे, उनको दिल से नमन। विथ ऑल दोज ऑर्ड्स उन्होंने कभी भी ये नहीं होने दिया कि हमको कोई तकलीफ होने दी हो लाइफ में। द बेस्ट ऑफ द लिबर्टीज ही गेव अस। एंड उसी चीज को आगे लेके जब मैं अपने आप पे आज बात करता हूँ कि अगर पापा ने कुछ एक बैकग्राउंड करके दिया है मेरे को, व्हाई नॉट कीप डूइंग समथिंग और द अदर। इन्होंने अभी जिक्र किया कि मैंने कॉलेज के दिनों में ये कारोबार शुरू किया था। जी उन्होंने बड़े सटल तरीके से कहा 5,000 रुपये 10,000 रुपये, लेकिन वो 5,000 रुपये भी तब बड़े मायने बहुत रखते मायने हैं। रखते थे। एवरी पेनी मैटर्स। मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, लाइफ इज बीन अ हार्ड वे एंड नो रिग्रेट्स इन लाइफ। करेक्ट। इट्स बीन अ चैलेंज एंड इट्स हाउ यू टेक लाइफ अहेड बाई गैदरिंग पीपल टुगेदर। हम ये बिलीव करें कि जो कुछ भी आज हम हैं वो अपने टीम वर्क की वजह से है। इट्स नॉट अ मैन हु वर्क्स टूवर्ड्स इट, इट्स अ टीम विच इज
टेकिंग द लेगेसी फॉरवर्ड, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। आपने कहा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, आज मैं हूँ थर्ड जनरेशन इन बिजनेस इज माय सन सिद्धांत मुरार का। जी फखर है मुझे कि इस छोटी सी उम्र में भी उसने जो लीड ली है, शायद वो इस अपने बाप को भी बहुत पीछे छोड़ देगा। दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द गिविंग बैक थॉट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू इनकल्केट टू आवर सन ऑल्सो, कि भाई आपको जो कुछ भी मिल रहा है इस समाज से ही मिल रहा है। दुनिया छोड़ने के पहले समाज को दे के जाना है। दैट हैज टू बी द वेरी क्लियर विजन इन लाइफ। हम क्या लेके आते हैं साथ में? कुछ लेके नहीं आते। बट द रियलिटी इज कीप डूइंग, कीप वॉकिंग, कीप मार्चिंग अहेड विद अ थॉट टू गिव बैक। फिर आपका बिजनेस आपने उसको आगे बढ़ाया, आगे लेवल पे लेके गए, और साथ साथ में एक समांतर सफर चल रहा था, जर्नी चल रही थी, वो थी आपका एम्पल मिशन। मतलब दोनों एक तरह से साथ ही में बढ़ रहे थे, आपका व्यवसाय और आपका सामाजिक कार्य। तो तब उस जब एम्पल मिशन शुरू किया आपने, तब क्या सोचा था? ये एम्पल मिशन के पहले पापा ने एक ट्रस्ट फॉर्म किया हमारा, इट्स अ फैमिली ट्रस्ट। ऊपर वाले की मेहरबानी है, वी डोंट बेग बोरो स्टील। जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ बिजनेस में, उसी में से ही चैरिटी करता हूँ। जो ट्रस्ट पापा ने फॉर्म किया, उसमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स है, मेगा प्रोजेक्ट्स है, लाइक एक स्मशान भूमि बनाना, बस डेपो बनाना, छोटे छोटे काम की है, कोशिश की है, स्टिल ऑनगोइंग प्रोसेस। उसका नाम है समर्पण। समर्पण, वी कॉल इट सीपी मुरार का चैरिटेबल ट्रस्ट। यस, इट हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन माय लेट ग्रैंडपेरेंट्स। एम्पल मिशन की शुरुआत आपने पूछा बड़े हम्बल तरीके से हुई। मैं ये जब से मैं स्कूल या कॉलेज में था, मैं हर बार देखा, मैंने हर बार आज भी देखता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ समाज में जरूर है। हम ये समझें कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके चले अपन और वहां दुनिया, कायनात वहां खत्म हो जाती है, तो नहीं होती है। इंडिया इज अ कंट्री विच हैज गॉट मल्टीपल इश्यूज, दैट इज वाई द नेम एम्पल। ओके, और ये ऐसे कैजुअली दोस्त ने जिक्र किया मेरे से। मैंने उसको बोला यार एक छोटी सी कंपनी फॉर्म करनी है, मैं छोटा छोटा काम करता रहता हूँ बट विदाउट अ फॉर्मेट। मेरे बेटे ने मुझे गाइड किया कि पापा आप कुछ कुछ करते रहते हो, व्हाई नॉट अंडर वन रूफ। करेक्ट। तो ऐसी बात करते करते जिक्र हुआ, यार अनिल आपने कहा मल्टीपल इश्यूज, लेट्स हैव इट एज एम्पल, एन एम्पल मिशन। कि भाई बहुत ज्यादा काम करने हैं, इसीलिए यू मे साउंड इट वेरी वियर्ड यू नो, बट दैट्स व्हाट इट इज। इट्स अबाउट कीप डूइंग इट। आप देखिए, आप मैं अगर बात करूं हिंदुस्तान की मॉडलिटीज की, आप देखें गरीबी उस हद तक है कि अगर हम अपना एक जीवन भी पूरा कर दें ना, तो वतन की तकलीफें खत्म नहीं होने वाली। वी हैव अ वेरी हम्बल थॉट इन माइंड, वी शुड इंश्योर कि हमारी इस भूमि में कोई रात को भूखा नहीं सोए। जिस दिन ये चीज गैदर हो जाएगी ना, तब लगेगा कि वतन में कुछ हो रहा है। भूखा नहीं सोए का जो जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि आपका भी मील्स फ्रॉम माँ प्रोजेक्ट है। संगीता जी का अपना बुटीक है, शी इज वेरी वेरी क्रिएटिव, उनका एक आर्टिस्टिक सेंस है और उनका एक बुटीक चलता है अपनी तरह। जैसे अनिल जी का है कि उनका बिजनेस ये है और समर्पण भाव से अब एम्पल मिशन आगे बढ़ रहा है। वैसे इन्होंने भी, संगीता जी ने अपना बुटीक के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आपका जो मील्स फ्रॉम माँ एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, तो ये मील्स फ्रॉम माँ मेरे मन में बहुत भाव था कि कैसे हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे सकें। मतलब जो आज गरीब लोग बिना खाना खाए सो जाते हैं और ऐसे, वो जैसे अनिल जी ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं
इट्स नॉट, एक साथ तो कवर नहीं हो सकता, लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम देंगे। तो हर एवरी वीक हम कोई भी, मेरे जैसे फ्रेंड सर्कल है और मैं अपने उसमें डालती रहती हूँ फेसबुक पे, तो अगर कोई भी बर्थडे के लिए या उसके लिए डोनेट करना चाहता है तो हम 100 पैकेट्स एवरी सैटरडे या फ्राइडे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई भी एक गरीब बस्ती में जहाँ मजदूर काम कर रहे हो, ऐसे लोगों को नहीं जो बैठे हैं, जो जी मजदूर काम कर रहे हैं कहीं पे जा रहे हैं, जिनको प्रॉपर वहाँ खाना नहीं मिल रहा है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के यहाँ मजदूर रहते हैं, ऐसे ऐसे जगह हम लोग जाते हैं और एवरी वीक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 100 पैकेट्स। उसमें प्रॉपर खाना रहता है, रोटी सब्जी या दाल राइस, और फेस्टिवल्स पे हम उसमें मिठाई और ये सब भी, जैसे एक बार दिवाली पे हमने विथ फुलझड़ी और ये सब भी किया था। तो इस ढंग से वी ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट, और मेरे जो मेरी फ्रेंड्स और फैमिली है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है इस चीज में। आपने शमशान का जिक्र किया, उसकी भी एक बिल्कुल कहानी है। मतलब जब अंतिम संस्कार भी हो तो वो सम्मान के साथ हो किसी व्यक्ति का, कहीं ना कहीं ये थॉट था उसके पीछे, क्योंकि वो बनाना और शमशान के लिए कोई सोचता नहीं है कि काम करे, लेकिन वो एक मूविंग कहानी थी आपकी जिंदगी की। भाभी, उसमें भी मेरा स्वार्थ था। क्या हुआ, जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हुई, अपने हिंदुओं में एक कल्चर है जहाँ पे किसी बड़े की जब मौत होती है तो बेटा जाके शांति पाठ करता है जी जो स्मशान भूमि पे ही होते हैं। तो वो 12 दिन 13 दिन का कारवा था पापा का, जो पापा को वहाँ जाके पूजा पाठ करने थे व्हेन ही लॉस्ट हिज फादर। पहले 2 दिन तो पापा जब गए तो मैंने उनको देखा, बड़े डिस्टर्ब आए, परेशान थे वो। मुझे लगा कि शायद उन्होंने, क्योंकि दादाजी की डेथ हुई थी, तो उसी लूजिंग अ फादर और अ पेरेंट इज समथिंग वेरी वेरी पेनफुल। पेनफुल, एब्सोल्यूट पेनफुल। तो मुझे लगा पापा को उसी बात का दुख सता रहा है। 2 दिन तो मैंने उनसे पूछा नहीं, जिक्र नहीं किया। तीसरे दिन मेरे से रहा नहीं गया जब फिर वो डिस्टर्ब आए। मतलब मैंने बोला, मतलब पापा, दादू बीमार थे, तकलीफें चल रही थी, फिर इतना परेशान हो गए, दादू के लिए कैसे चलेगा। तो उन्होंने मुझे बताया, बोले बेटा मैं दादू के लिए तो परेशान हूँ, लेकिन मैं परेशान ज़्यादा इसलिए हूँ कि जो शांति पाठ करने हैं उस स्मशान भूमि पर बैठकर, वहाँ उस भूमि पर वो माहौल ही नहीं है। वहाँ इतनी गंदगी है, बड़ा अजीब सा मंजर है। तो हमारे बुजुर्गों ने उसको नाम दिया शांति पाठ। उस माहौल में क्या शांति पाठ करेगा आदमी। आई रजिस्टर्ड दैट समवेयर डाउन द लाइन। मैंने मेरे सेक्रेटरी को फोन किया, बोला बेटा कल सुबह 5 बजे जिस भूमि पर पापा जाके पूजा कर रहे हैं वहां मुझे 3 ऑफिस के लड़के चाहिए और एक पानी का टैंकर चाहिए। मैंने ये काम वहां पूरी सफाई करवाई और ये 10 दिन तक निरंतर करवाई मैंने। जब ये दौर चल रहा था ना 10 दिन का, पापा वॉज वेरी कंफर्टेबल। क्या अनिल, तूने अच्छा किया, मैं वहां बैठ के पूजा कर सकता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं वो घर कर गई जगह, क्या मैंने तो मेरे फादर साहब के लिए कर लिया, ऐसे कितने लोग ये सब करेंगे। वाई नॉट ट्राई डू समथिंग वे वी कैन मेक दिस डिपार्चर कंफर्टेबल। लड़ता रहा सिस्टम से, झगड़ा करता रहा, फाइनली वी गॉट द परमिशंस टू कंस्ट्रक्ट अ क्रिमेटोरियम। मैंने कंस्ट्रक्शन हमारे ट्रस्ट ने करवाया, पापा का पूरा साथ रहा उसमें। मतलब विदाउट डैड और विदाउट पेरेंट्स, विदाउट हिज सपोर्ट कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी है। जी मैं कितने भी बातें कर लूँ, कितने भी प्रवचन दे दूँ, बिना पैसों के कुछ नहीं हो कुछ सकता। नहीं होता। वी कुड डू दैट। अब उस भूमि पर हमने इस तरीके से वहां बैठाया उसको, सब कुछ को। इट्स नॉट मी टॉकिंग, जो वहां जाता है उसको हर चीज, एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल देयर, राइट फ्रॉम कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए लास्ट राइट्स का सामान एब्सोल्युटली फ्री है, ट्रस्ट देती है वहां पर। कुछ ऐसे भी किस्से देखता हूँ जहाँ पुजारी नहीं होते, तो राउंड द क्लॉक पुजारी साहब वहां है। देखिए, मेरे से आप कितनी भी तारीफ करवा लो, इसका कोई एंड नहीं है। बट वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ मॉड्यूल जहां आपने जैसे कहा अंतिम यात्रा,
जो है आदमी की वो पीसफुल होनी चाहिए। पीसफुल होनी चाहिए। आप कोई भी क्रिमेशन ग्राउंड पे जाके देख लो, माहौल बहुत खराब है, बहुत खराब है। सही। दिस प्लेस इट्स लाइक अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मी। मैं हर हफ्ते वहां जाता हूँ। घर वाले चिल्लाते हैं मेरे पे कि वो जगह क्या कोई जाने की। मैं उनको कहता हूँ भाई वो जगह बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा आप समझो कि मेरी भी वही डेस्टिनेशन है फाइनली, मुझे भी वहीं जाना है। हर किसी की वही है, आप फैक्ट है। बट हम कितना उस चीज का ध्यान रखते हैं। द आइडिया इज इंश्योर वी हैव अ पीसफुल डिपार्चर इन लाइफ। और मैं मेरा स्वार्थ बोला मैंने आपको, अब मेरा स्वार्थ देख रहा हूँ कि मैं भी जब जाऊं तो मुझे एक पीसफुल डिपार्चर मिले वहां पर। फिर बात आती है आपके अवार्ड सेरेमनीज की, और मतलब एम्पल, मतलब आपने एक एम्पल के अम्ब्रेला जिस विचार से सोची थी वो कहीं ना कहीं है। एक मुझे बहुत दिल को छू जाता है अनिल जी आपका काम, वो है कि जिनमें कुछ जो दिव्यांग है, जिनमें कुछ डिफॉर्मिटीज है, उनके लिए जो आप काम करते हो, उनको जो एक विश्वास और हौसला दिलाते हो अपने अवार्ड्स के जरिए, अपनी मदद के जरिए, उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपने कहा दिव्यांग, हमने उनको एक नाम दे रखा है नाउस, द लिमिटेड एडिशन ऑन द यूनिवर्स। क्या बात है, क्या बात है। तो इट्स दैट थॉट व्हिच टेक्स अस फॉरवर्ड, कि दीज आर दोस ब्लेस्ड सोल्स जिनके पास एक ऐसी ताकत है जो मेरे पास भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक स्विमर है जो ओशन स्विम करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री, ही इज अ पैरालंपिक ओशन स्विमर। अब आप इस आदमी की बात करें जो आपसे बात कर रहा है, मुझे पानी में उतरने में डर लगता है, डर लगता है। तो आप सोचिए वो सक्षम है कि मैं हूं। तो दिस इज व्हाट इट इज, दे आर दो सोल्स जिनसे हमको कुछ प्रेरणा मिलती है जी, उनसे हम कुछ सीखते हैं रोज। एंड दैट्स व्हाट दिस पीपल आर ऑल अबाउट, दे हैव सो मच इनटू देम। मतलब आप सोचिए उनको एक तरीके से कोई डिसेबिलिटी है लेकिन वो उसको पीछे छोड़ के आगे मार्च कर रहे हैं। आज हमको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है बट हम इंसानों की फितरत है जी कि हम रोते रहें, रोते रहेंगे। सही बात, हम अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं रहते। द फैक्ट इज एक्नॉलेज व्हाट द यूनिवर्स हैज गिवन अस, बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी, बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है जी। लेकिन ना, हम रोते रहेंगे कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। आपको लग रहा होगा मैं प्रवचन दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, मैं रियलिटी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे बेटे को भी बोलता हूँ, वो कई बार एग्रेसिव होता है, पापा आपने ये करना है, पापा वो करना है। तो यार सब करेंगे, जीवन है ना तो सब करेंगे, लेकिन बी कूल, टेक इट स्पोर्टिंगली, टेक लाइफ एज इट गोज अबाउट। मैं नहीं कहता हूँ ख्वाब मत देखिए, ख्वाब पक्का देखिए। ड्रीम्स हैव टू बी देयर टू मेक इट हैपन। ड्रीमर्स ओनली कैन मेक थिंग्स हैपन, पीपल हु डोंट ड्रीम, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। दैट्स व्हाट इट इज। आपने अवार्ड्स की जिक्र किया, देयर आर थ्री सेट्स ऑफ अवार्ड्स। यस, आपने जिसकी बात करें, वी कॉल इट भारत प्रेरणा अवार्ड। भारत प्रेरणा अवार्ड, सुकून मिलता है जी, एक अलग सी, एक अंदर से एक वो होता है ना, फीलिंग, फील फैक्टर। ऐसे जिस दिन ये अवार्ड शो होता है ना, वी हैव गूज बम्स थ्रू आउट, पीपल इन द ऑडिटोरियम दे आर ग्लूड। आज अगर वो 3 घंटे शो चलता है हमारा जी, आप मानो कि नहीं मानो, लोग सीट छोड़ने तैयार नहीं होते कि भाई आदमी होता है ना, एक नेचर कॉल होता है कि भाई सुसु करने जाना है जी, वो नहीं जाते हैं, मैं पता नहीं क्या मिस कर देंगे हम शो में। सही बात। लाइकवाइज देयर इज वन मोर पैटर्न वी हैव कॉल्ड द शूरवीर अवार्ड्स। यस, शूरवीर अवार्ड, दैट इज ऑन अ डिफरेंट फॉर्मेट फॉर दोज अनसंग हीरोज ऑफ लाइफ हु हैव डन समथिंग ग्रेट फॉर द इंडियन कॉन्टिनेंट। कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट देखिए, सरकार अपना काम
निरंतर कर रही है, सरकार हर किसी को सम्मानित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। उस फॉर्मेट में हम कोशिश करते हैं कि जो चेहरे गलती से सरकार से छूट गए हैं उनको हम उस प्लेटफॉर्म पे बुलाएं। द थर्ड सेट ऑफ अवार्ड्स इज कॉल्ड अवार्ड्स जिंदगी के, जिंदगी के, दैट्स फॉर द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द इंडियन सॉइल, द मेन इन यूनिफॉर्म। इट्स समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इट्स ऑल द टीम विच डज ऑल दिस। ये आदमी सिर्फ आपसे बात कर सकता है लेकिन बिना टीम वर्क मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इट्स समथिंग, मैं तो चाहूंगा आप कभी नेक्स्ट शो जब हमारा हो आप भी एक बार आइए, यू विल नो व्हाट इट इज। बोलना बड़ा आसान है बट टू फील इट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। फिर इनका सब ये इतने सारे काम चलते रहते हैं, देखिए परिवार को भी संभालना है, परिवार का भी बैलेंस है, और मुझे वैल्यूज इनकी पता है कि फैमिली पहले आती है, फैमिली के कुछ मूल्य है जो बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है कि जिसमें कोई कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये दोनों आप कैसे बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं? भी एक तो मेरी जो पॉलिसी है पर्सनली कि किसी को रोको मत, मतलब I never interfere। मैं इनको हमेशा, मेरी एक ही लाइन रहती है, आप जाओ ये मैं संभाल लूंगी, बस वो है। और मैं हमेशा एनकरेज करती हूँ कि यू आर डूइंग अ गुड वर्क। एंड सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नोबडी हैज गिवन यू, किसी ने आपको हाथ में नहीं दिया है, आपने खुद बनाया है। सब आपने अपनी मेहनत से एक एक चीज की है। इट्स नॉट कि किसी ने रेडी दिया है और आप सामाजिक काम कर रहे हो, आपने खुद इन्वेंट किया है, खुद उसके पीछे मेहनत की है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है आपके घर में खाना बड़ा बेहतरीन बनता होगा क्योंकि अनिल जी जहाँ जाते घर का खाना पसंद करते हैं, मैंने सुना है। फाइव स्टार होटल में भी जाएंगे तो घर का खाना पसंद करेंगे, दाल रोटी। भाभी जिंदगी का एक अटूट सच है, हम कितने भी पकवान देख लें पेट तो वो दाल रोटी से ही भरता है। इट्स ऑनेस्ट कन्फेशन। इस माध्यम के जरिए मैं सबको यही बोलता हूँ, यार हम कितना भी देख लें, बड़े बड़े लोगों को आप देख लो, अलग अलग मुकाम पे पहुंचे हुए लोग, लेकिन जिंदगी में उसकी बेसिक नीड्स क्या है? वही दाल रोटी है। तो आपने कहा घर, ये मुझे जूते मारती है घर पे अगर नहीं खाऊंगा तो। नहीं, जैसे आपने कहा कि आई एम प्योरली अ हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ के साथ नहीं, आपका इतना बुटीक है, आपकी खुद की पहचान है, आप इतना काम करती है, वही वो अलग बात है कि बैकस्टेज में रहती है। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने शुरुआत यही बताना चाह रही है कि फ्रंट स्टेज में रहती, बैक स्टेज में नहीं रहती है। और मैंने जैसे काम जब शुरू किया एकदम क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि एक ही चीज करते करते आई वाज वेरी क्रिएटिव, तो मोनोटोनस थोड़ा होने लगा था। एंड मैं बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल फैमिली से थी, तो पेरेंट्स के सामने, मेरे इन-लॉज के सामने बोलने में भी थोड़ी हिचक होती थी कि मुझे इस टाइप का कुछ प्रोफेशनल काम करना है। लेकिन ऑफ कोर्स थैंक्स टू अनिल जी, इन्होंने ही बात की, इन्होंने सपोर्ट किया, और उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने भी बहुत सपोर्ट किया। एंड यही जो ड्रीम्स की बात चली उसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, योर ड्रीम्स कम्स ट्रू, और वो मेरे साथ हुआ है। तो हाउसवाइफ से एक बुटीक, शी इज टॉकिंग अबाउट गेटिंग मी इन लाइफ, हाउसवाइफ से एक एंटरप्रेनर की जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत मेहनत हुई, कभी ये उम्मीद छोड़ी नहीं। कभी कभी कई कई एग्जीबिशंस में ऐसा भी हुआ कि एक पीस भी नहीं बिका, उसके बाद मैंने तय किया कि नेक्स्ट एग्जीबिशन में सारा बिकना ही चाहिए। सो मैंने ऐसे इन्वेंशंस किए, इतने कॉम्पिटिटिव रेट्स रखे, खुद टेलर बिठा के मैंने चीजें बनवाई, तो रेट्स बहुत कॉम्पिटिटिव थे, एंड आई हैव सोल्ड ऑल द पीसेस इन दैट एग्जीबिशन। तो ऐसा है कि अगर आप ठानोगे और करोगे तो सब कुछ हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखिए अच्छा काम जहाँ जिंदगी में होता है कुछ ना कुछ रिकग्निशन उसको मिलता रहता है। जैसे अनिल जी का एक काम जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी कि आप फिर शॉर्ट फिल्म में उतर गए, आप करते क्या क्या है ये समझ में नहीं आती बात। तो इन्होंने एक बहुत प्यारी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री का जो मिशन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसको एक दिखाते थे। उसमें कंगना रनौत थी और सीधा बहुत सिंपल सा संदेश था उसमें कि जहाँ स्वच्छता नहीं है वहां से लक्ष्मी गुजर जाती, निकल जाती है। तो कंगना रनौत थी उसमें, बच्चन साहब की उसमें आवाज थी, और ये इतनी टचिंग शॉर्ट फिल्म थी कि जिसका एक तरह से मैं बोलूँ कि यहाँ पर पीएमओ ने भी उसको रिकग्नाइज किया, और फिर स्वच्छ भारत के लिए जो भी
मुंबई के लिए जो भी ब्रांड एम्बेसडर्स है उसमें से एक आप हो। हाँ वो मतलब हो गया है एक्सीडेंटली। मैंने कोई इसमें कोई कोशिश नहीं की कुछ ऐसा मिले मुझे। आपने बिल्कुल सही कहा, शॉर्ट फिल्म्स भी एक पैशन हमारा, सामाजिक शॉर्ट फिल्म्स जो एक सोशल मैसेज देती है आवाम को। हमारा सौभाग्य रहा कि हमने करीब 30 शॉर्ट फिल्म्स अभी तक बनाई है, ऑल ऑन सोशल मैसेजेस, सोशल मैसेजेस विच क्रिएट एन अवेयरनेस टुवर्ड्स द मासेस। ऐसे ही एक शॉर्ट फिल्म थी जब सबसे पहले हमने शॉर्ट फिल्म बनाई। अभी क्या होता है, कोई चीज आप करो और उसमें अगर आपको सक्सेस मिले तो आपको एक हौसला बढ़ता है जी। इत्तफाकन पहली जो शॉर्ट फिल्म हमने बनाई वो बनाई हमने एंटी स्मोकिंग विच फीचर्ड सनी लियोनी, आलोक नाथ जी, दीपक दोबरियाल। और वो फिल्म व्हेन वी रिलीज इट ऑन यूट्यूब इट ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स ऑन सोशल मीडिया। तो हमारा हौसला बुलंद हो गया, यार ये तो अच्छा है, कर सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता ना। तो लाइक वाइज व्हेन वी मेड दिस फिल्म ऑन स्वच्छ भारत, जैसा आपने कहा, वो मेरा थॉट नहीं था भाभी, वो जो हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया वही मैंने उसमें एडेप्ट किया जी। कि अगर हम हमारे घरों में, दफ्तर में, प्रांगण में सफाई नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। जी। वो उसी को पिक्चराइज किया। 2.5 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, थैंक्स टू कंगना जी, थैंक्स टू बच्चन साहब फॉर हिज वॉइस ओवर, रवि किशन साहब, ओमकार कपूर जी, ईशा कोप्पिकर जी फॉर बीइंग देयर विद अस फॉर दैट। सौभाग्य रहा मेरा कि उसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया बाय कोटिंग अ मस्ट वॉच फिल्म ऑन माय ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ क्लीन इंडिया मूवमेंट। दिस वाज नेवर एक्सपेक्टेड। तो नाउ आफ्टर दैट वी वर कॉल्ड टू दिल्ली, मैं मिला एंड देन दिस फिल्म हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एज कमिटेड बाय देम वो इसे थिएटर्स वगैरह में दिखाई जाएगी। एक है आपके साथ बात हो रही हो और नारायणी धाम का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो लोनावला में मैं आपको बता दूं कि 13 परिवार साथ में आए और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और नारायणी धाम जो है, जरूर आप कभी वहां पर जाके देखिएगा किस तरह से वो पूरा प्रांगण बनाया है। उसके पीछे थॉट क्या था? अभी टोटल 15 families has been involved initially from the right first days. उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा बाऊजी लेट मधुसूदन जी झुंझुनवाला जी का। वो बाऊजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विजन उनका ही था कि मुझे मंदिर का निर्माण करना है। काफी जगह देखी थी, लेकिन बोलते हैं ना, जहां प्रभु को बसना है वो अपनी जगह खुद नक्की करते हैं। अब उनको पहाड़ों में बसना था तो उन्होंने लोनावला पसंद आया उनको। तो आज ये 15 trustees मिलके इस चीज को आगे लेके चल रहे हैं। तो इट्स समथिंग, मतलब देखिए, ऊपर वाला किसी को जरिया बना देता है। ये 15 लोग 15 trustee जरिया बने इस चीज को निर्माण करने में। आज उसका स्वरूप बहुत अच्छा बन के आया है। ये मैं जो आज लोगों से सुनता हूँ, जैसे आपके माध्यम से मैं जरूर अपील करूंगा मासेस को कि अगर समय मिले तो एक बार वहां माथा टेकने जरूर जाइए। देयर इज सो मच ऑफ पॉजिटिविटी देयर। आप देखिए वो ताकत आपको खुद खींचेगी। आप प्लीज एक बार आके देखिए तो सही। और वहां पे मैंने देखा कि वहां पे गौशाला है, वहां पे मंदिर है, इसके अलावा वहां पे रहने का जो एक माहौल है और जो खाना वहां पे मिलता है, प्रसाद ही उसे कहना चाहिए, बहुत कम दाम में वहां पे मिलता है। ये ट्रस्ट का विजन था इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल भाभी, ट्रस्ट का विजन था। वहां पे हम हर हफ्ते 2 medical camps भी कर रहे हैं विच इज एब्सोल्युटली एट अ जीरो कॉस्ट। हम एकदम फ्री इसलिए नहीं करते, हम 2 रुपए लेते हैं लोगों से। फ्री की वैल्यू नहीं रहती, नहीं रहती है। तो बाकी ऊपर वाले के आशीर्वाद से अभी रिसेंटली अबाउट 8 months back वहां एक आई हॉस्पिटल भी बना लिया है। That is the first eye hospital in Lonawala. Again, the thought is कि भाई एकदम minimum rate पे लोगों को वहाँ cataract की surgeries भी हो। कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो best से best वहाँ
फैसिलिटीज दी जाए वो दे सके. वी आर हैविंग टू अदर कैंप्स ऑल्सो, वी हैव अडेप्टेड स्कूल्स, मेनी कपल ऑफ थिंग्स हैपनिंग. लेट पीपल कम देयर विटनेस एक्चुअली क्या कर रहे हैं. बोलना बड़ा आसान है बट टू सी इट फिजिकली डाउन द लाइन इज मोर इम्पोर्टेंट. जयपुर फुटका मैंने सुना था इन्हीं से, जब जयपुर फुटका कैंप हुआ और जब लोग अपने पैरों पे चल के जा रहे थे, बोले वो मोमेंट भूलता नहीं है, इतनी खुशी उनके चेहरे पे. कितने लोग थे आई थिंक? अरे जो भी थे, एक वो मंजर ही अलग था. आप सोचिए किसी आदमी ने कभी अपने पैरों पे कभी खड़ा ही नहीं हुआ हो और वो सडनली वहां से चल के जा रहा है, चल के जा रहा है. वो क्या सुकून होता है उस टाइम पे. उनको तो वो एक्सपीरियंस डिफरेंट लगा ही होगा, लेकिन समथिंग वेरी 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 डिफरेंट एक्सपीरियंस. आप कभी देखोगे तो अनिल जी आपको बड़े से बड़े सितारों के साथ में, फिल्मी सितारों के साथ में घिरे हुए नजर आएंगे. सितारे तो आप खुद हैं हमारे लिए. लेकिन आप, मैं आपको बता दूं कि ये आपको शमशान में खुद जाकर काम करते हुए भी नजर आएंगे. ये सारे तालमेल के साथ में जिंदगी आगे बढ़ रही है, पारिवारिक वैल्यूज भी है, उनको भी ये करते हैं. आप दोनों में एक पति पत्नी के कुछ उसूल होते हैं कि दीज आर द पॉइंट्स एग्रीमेंट, पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, पॉइंट्स ऑफ एडजस्टमेंट. बिल्कुल. आपसे क्या सुनना चाहूंगी मैं, इनसे मैं रोज मार खाता हूँ. ये रोज मुझे डांटती है. गलत तो नहीं बोल रहा? एक ही है ये जी. ये एकदम गलत बोल रहे हैं. नहीं, मैं समझ सकती हूँ इनका मजाकिया स्वभाव भी मैं जानती हूँ. एक ही सबसे बड़ी चीज है जी. किसी के कोई भी काम में इंटरफेरेंस मत कर रखिए. तो मेरा वही उसूल है, वो मेरे हस्बैंड हो या मेरा बेटा हो, आई डोंट इंटरफेयर. मैं बोलती हूँ आप आगे बढ़ते जाओ, कुछ काम ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ तो मुझे, घर का मैं संभाल रही हूँ, आप मुझे दे दीजिए. एंड बस ये हमारा सबसे बड़ा key of success है. ये बड़े sophisticatedly बोल रही है, इतनी सीधी है नहीं है. वो तो आप अंदाजा लगाएंगे. आपको अगर अनिल जी में कुछ बदलना है तो क्या चाहेगी कि अरे ये सब ठीक है ये बदल दीजिए? नहीं नहीं, we are married 32 years. क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर दो. नहीं, कुछ भी नहीं बदलना है. He is very good as he is. Very caring. Very loving, very caring for me and for everyone with in the family. Very, very caring. यहाँ तक कि छोटी सी गुड़िया है, मेरी देरानी की बेटी है अद्वित्या, उसके लिए भी एक एक के लिए एक पर्सनल केयर है सभी के लिए. आप दोनों साथ में क्या एक्टिविटीज पसंद करते हैं? घूमना या मूवीज को जाना, पिक्चरें देखते हैं क्या? एकदम आपका रिलैक्सेशन का करने का अगर हो तो वो क्या है? सिंपल है, जितना जो टाइम मिल जाए बीइंग टुगेदर. बस रात को चाहे 11 बजे भी मैं अगर बैठता हूँ तो देयर आर मोमेंट्स कि मैं रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इनके साथ बैठा हूँ. बीवी बैठी है, बेटा बैठा है, मैं बैठा हूँ. दोज आर दोज पर्सनल मोमेंट्स जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ व्यूज, पॉजिटिविटी, कोई झगड़ा सब वहीं होता है. दैट्स द की फैक्टर. अभी देखिए, अगर आप ये सोचें कि कोई स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करने हो, आपको अलग से टाइम निकालो. ये आपने कहा मुंबई शहर है, सपनों की नगरी है, मेरा बस चले मैं कल छोड़ दूं ये सिटी, बिकॉज इट्स अ मैड रेस, नथिंग एल्स. तो जो मोमेंट मिल जाए आपको इकट्ठे, दोज आर एनकैश टू बी एनकैश्ड. एक बार मूवीज आई थी और हम लोग ने काफी दिन तक देखी ही नहीं. सो हम गए, दो तीन बैंक हॉलीडेज साथ में थी तो वी सॉ 2 मूवीज इन अ डे. ओके, एक इवनिंग में देखी, देन वी हैड डिनर, देन अगेन 1 मूवी. सो दो बोल गई, मैंने 4 भी देखी. सो ये है मूवमेंट्स, कई कई कभी है डेफिनेटली. और यही जो आप बोल रहे हो, लेट नाइट टॉक्स, बैठते हैं बातें करते हैं, वही टाइम होता है रिलैक्स. इट्स एज स्वीट एंड सिंपल एज दैट भाभी. समय किसी के लिए रुकता नहीं है जी. जो भी समय आपके पास है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन व्हाट यू हैव. ये बार बार कंपैरिजन करना कि मेरे पास इतना है उसके पास उतना है, वो आप अंदर अंदर घुटते रहोगे, कोई इलाज नहीं उसका. लेट्स लिव लाइफ to the fullest and again that thing give back to society. मैंने एक और देखा कि आपने जम्मू कश्मीर में भी
टॉयलेट्स का काम जो है आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत या आपने ट्रस्ट की ओर से किया है, और कई राज्यों में भी है, बिहार में छोटा मोटा काम चल रहा है कहीं और, तो वो क्या है? बस स्टैंड भी आपने एक एयर कंडीशन बस स्टैंड बना के रखा है महिलाओं के लिए नहीं, बस स्टैंड कॉमन है, इट्स जी, नॉट उसके ओनली, लिए उनके लिए जो फैसिलिटी है हाँ फैसिलिटीज है वहाँ जो पे। ड्राइवर्स और ये सर राजस्थान महिला जो राजस्थान में भाभी मैं कोई नहीं हूँ करने वाला, खाली सूत्रधार हूँ। बट हाँ ये बात फैक्ट है कि एनीथिंग विच कम्स टू अस, हम कोशिश पूरी करते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करें। अगर मेरे पेरेफरी में है, अगर मेरे बस में है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं उसको कंप्लीट करके नक्की करूँ। एक होता है ना भाभी कि लोग पैसा दे देते हैं कि भाई पैसा दे दिया चलो भाई फ्री हुए, हम उसमें बिलीव नहीं करते। पैसा बिल्कुल बिना पैसे कोई काम नहीं हो सकता, पैसा ज़रूर देना ही है, लेकिन पैसा देने के बाद उस काम को पूरा अंजाम देना, उसके साथ जुड़े रहना, दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया बिहाइंड इट। मैंने जिक्र किया आपसे स्मशान भूमि का, कि आपने बस स्टैंड का जिक्र किया, देयर आर मेनी अदर प्रोजेक्ट्स विच आर जी अंडर गोइंग, बट कोशिश ये रहती है कि उनके साथ एक्टिव रहे। ये नहीं कि हमने करके छोड़ दिया, छोड़ दिया एक्टिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक उसकी वैल्यू नहीं करोगे ना, सामने वाला कभी नहीं करेगा। जी। तो लेट्स बिलीव इन दैट एंड टेक इट फॉरवर्ड। अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए क्या मिशन देखते हो? विजनरी अनिल मुरारका कभी था ही नहीं ना हूं, एक विश्वास लेके चलता हूं। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं सुकून ढूंढने के लिए, भगवान ढूंढने के लिए। मैं मेरे यंग दोस्तों को, मेरे मेरे हम उम्र को, बुजुर्गों को एक ही बात कहता हूँ यहाँ पर, हमारा जो वजूद है हमारे माँ बाप है। हम यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं शांति ढूंढने के लिए, शांति घर में है। उन माँ बाप को पलकों पे रखो, उनसे उतना प्यार करो कि उनको कभी पीछे पलट के ये नहीं देखना पड़े कि आज मुझे घर में कोई कमी है। आप इधर उधर जो भटकते हो ना शांति के लिए, भाई मैं जो कर सकता हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वही मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लोगों को कितना उस चीज़ को अडेप्ट करना है या नहीं करना है वो उनके ऊपर है। सुबह उठकर आई लॉस्ट मामा अनफॉर्चुनेटली अबाउट अ ईयर बैक, बैक लेकिन आज भी उठकर माँ के चरण जरूर छूता हूँ, क्योंकि माँ के कुछ चरणों की झांकी मैंने मंदिर में लगा रखी है। फिर पापा के पैर छूता हूँ, उसके बाद मंदिर में हाथ जोड़ता हूँ। सर्वप्रथम है आज माँ बाप का जो स्थान है, सर्वप्रथम है। प्लीज एंश्योर यू गिव योर बेस्ट टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स, बहुत बेहतरीन बात कही। हम बात कर रहे थे अनिल जी और संगीता जी से, हम चाहेंगे कि इनके सारे सपने, और ये कहते हैं विजनरी नहीं हूं मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके पास बड़े बड़े प्लान्स तैयार होते हैं लोगों को मदद करने के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने बेटे के लिए। तो आपको मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपके सारे ख्वाब पूरे हो, सारे सपने पूरे हो, और आप इसी तरह से आपका समाज सेवा का जो व्रत है, जो आपने लिया है, वो आगे बढ़ता रहे। अभी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग थैंक अस यू सो हियर। मच। थैंक आई होप व्हाट एवर वी डिस्कस्ड इट मेक्स अ डिफरेंस। तो नवभारत के दर्शकों के लिए हम ये जो हमारी विशेष श्रृंखला है बातों बातों में, इसके जरिए इस तरह के लोगों से मिलाते रहेंगे जो कुछ ना कुछ जिंदगी का सबक देते हैं, उनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। आप बस चलते रहिएगा इस श्रृंखला के साथ।